हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और इस वीक जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया है, जो नए मेंबर बने हैं, आई वेलकम यू ऑल। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और इस कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, वो कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, वो सभी ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा। तो ये एक मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में हम एडजस्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि एडजस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। और एक बेसिक नोशन ये है कि एडजस्टमेंट कब किया जाता है, जब हमें लॉस होता है। कि अगर हमने कोई पोजीशन ले ली और उसमें अगर हमें लॉस होता है, उस टाइम पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपको लॉस हो तभी आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी करना होता है। जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है, वहां पे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी करने चाहिए। और वो क्यों करने चाहिए और कैसे करने हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में ये लॉजिक समझाने के लिए मैं एक आयरन कॉन्डोर को यूज करूंगा। आपको एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करके दिखाऊंगा। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड में जब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, मान लीजिए आप एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया, मान लीजिए एक वीक चला गया और एक वीक में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया है। अब जो प्रॉफिट हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या आप अपने प्रॉफिट को और किस तरह से एनहेंस कर सकते हो, अगर आपका व्यू बदल गया है ट्रेड लेने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और देखेंगे कि मार्केट 8-10 दिन के लिए साइडवेज कहां पे रहा है। और जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज रहा है, वहीं पे हम एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करेंगे। लॉजिक ये है कि जब मार्केट साइडवेज रहा होगा, वहां पे मैं आयरन कॉन्डोर को क्यों डिप्लॉय कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि जब एक आयरन कॉन्डोर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद आपको किस तरह के एडजस्टमेंट करने हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो आयरन कॉन्डोर है वो इनिशियली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो हम समझेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17300 पे। तो अभी तो अगस्त मंथ चल रहा है, ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर में करंट मंथ अवेलेबल नहीं होता है। तो जुलाई मंथ में हम देखते हैं कि मार्केट साइडवेज कब रहा है। तो देखिए, जुलाई मंथ को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा है कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैंने एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड की होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। देखिए, डेट कौन सी है, 7th of July। 7th of July को मार्केट कहाँ पे था, 16100 पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे गिरता है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट रेंज में रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो प्रॉफिट होने के बाद आपको क्या करना है, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करता हूँ। तो देखिए, डेट कौन सी है, 7th of July। तो अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और 7 जुलाई को हम एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करेंगे। और उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगले 6-7 दिन के लिए मार्केट एक रेंज में रहा है, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, एक रेंज में ट्रेड किया है। तो मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं ओपन कर लेता हूं ऑप्शन सिमुलेटर को। तो जुलाई 7 को हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 7 जुलाई को मार्केट कहां पे है, 16100 पे। निफ्टी जो है वो 16100 पे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस 16100 है ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक 30 डेल्टा का पुट सेल कर दूंगा, एक 30 डेल्टा का कॉल सेल कर दूंगा और फिर उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं हेजिस बाय कर लूंगा और ये एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। तो देखिए, 30 डेल्टा कहां पे ट्रेड कर रहा है पुट साइड में, वो हम देखते हैं। 15700 की स्ट्राइक है, ये ऑलमोस्ट 30 डेल्टा है, तो इसका एक लोट मैं सेल कर दूंगा। इसका प्रीमियम है 151 रुपीज, तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ आया, ऊपर आप देखिए 30 डेल्टा कहां पे है, 16500 की जो कॉल है इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 30 है और इसका प्रीमियम है 125 रुपीज, तो इसका भी एक लोट मैं सेल कर दूंगा। तो ये तो बन गई एक स्ट्रैंगल, लेकिन मुझे आयरन कॉन्डोर ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ हेजेस बाई कर लूंगा। तो हेजेस बाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा पैसा पे नहीं करना चाहता, तो 15700 जो मैंने ऑप्शन सेल किया है, इससे मैं नीचे जाता हूं और एक 16 डेल्टा का 15300 का पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं, जिसके लिए मैंने 75 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। तो मैंने एक 15300 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया और इसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा, 16500 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था इससे मैं ऊपर जाऊंगा और 16900 का एक कॉल ऑप्शन मैं बाई कर लूंगा। इसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 38 रुपीज। तो अब आप देखिए, ये मेरा आयरन कॉन्डोर बन गया। अगर मार्केट इस जोन में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर इस जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस कितना है, 11000 रुपीज का।
और यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 8100 रुपीज का। तो ये बन गए एक आयरन कॉन्डोर। देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिया है, मैंने जैसे 30 डेल्टा के साथ शुरू किया है, तो चाहो तो आप इसको 25 डेल्टा भी ले सकते हो, आप चाहो तो 35 डेल्टा भी ले सकते हो, और ये जो गैप है ये आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए सेटअप बना दिया है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी करो। तो ये हो गए एक आयरन कॉन्डोर। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और जैसा कि हमने चार्ट में देखा निफ्टी ने एक रेंज में टाइम बिताया है, तो इस आयरन कॉन्डोर में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब ये प्रॉफिटेबल होती है तो हम इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। अगले दिन निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है और मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आती है, मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्रॉफिट 2000 रुपीज का है। अभी 3 दिन हो गए मुझे ट्रेड में। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन निफ्टी थोड़ा और नीचे आई है और मेरा प्रॉफिट है 2700 रुपीज का। मेरा प्रॉफिट 3600 रुपीज का हो गया है। यहां पे आप देखिए मेरा प्रॉफिट हो गया 4000 रुपीज का। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 8100 रुपीज का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, और अभी मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4000 रुपीज का है। मतलब मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट मुझे हो चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहला और आसान काम आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लो, इस ट्रेड को यहाँ पे बंद कर दो। ये है सबसे आसान काम। लेकिन इसमें आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को और किस तरह से एनहेंस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको जो लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है 11800 रुपीज का, ऊपर भी और नीचे भी। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका व्यू बदल जाता है कि मार्केट एक रेंज में काफी दिन रह गया है, मार्केट 5-6 दिन एक रेंज में रहा है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक ब्रेकआउट दे। या तो आपका ये व्यू बन गया हो, या आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, या आप इस ट्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बनाना चाहते हो, तो इन केसेस में आप किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। पूरे फोकस के साथ आप देखिए। तो देखिए ये आयरन कॉन्डोर जो मैंने ट्रेड की थी, इसमें मैंने 2 ऑप्शन सेल किए थे, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, और उसके मैंने हेजेस बाय किए थे ऊपर और नीचे। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था और कॉल ऑप्शन सेल किया था, इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। देखिए 15700 का पुट जो मैंने 151 रुपीज में सेल किया था, ये अभी ट्रेड हो रहा है 48 रुपीज पे, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इसमें से मैं एग्जिट हो गया। और उसी तरह से 16500 का जो कॉल मैंने सेल किया था 125 रुपीज में, ये अब ट्रेड हो रहा है 57 पे, तो इसमें से भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो जो मैंने 2 ऑप्शन सेल कर रखे थे आयरन कॉन्डोर में, जो सेल किए हुए ऑप्शन थे उनमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनमें मैं एग्जिट हो गया। अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। अब आप देखिए ये जो ट्रेड है ये एक जीरो लॉस ट्रेड बन गया है। अब मार्केट कहीं भी जाता है तो आपको हर जगह प्रॉफिट ही होगा। इस ट्रेड में आपके लॉस होने के चांसेस अब जीरो हो चुके हैं। पहले अगर मार्केट ऊपर जाता या नीचे जाता तो आपको 11000 रुपए का लॉस हो रहा था। आपका मैक्सिमम लॉस कितना था, 11800 रुपीज का, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। लेकिन अब आप देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और जहां पे मार्केट है अगर यहीं पे रह जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इस ट्रेड में आपको कम से कम 3000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही, नो मैटर व्हाट। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो, आपको 3000 रुपीज का प्रॉफिट गारंटेड है। अब आपको इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, आपने इस आयरन कॉन्डोर को एक जीरो लॉस ट्रेड बना दिया है। तो मैंने क्या एडजस्टमेंट किया है, मेरा जो नॉर्मल आयरन कॉन्डोर था उसमें जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो मैंने क्या किया, जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे, जो सेलिंग लेग थी आयरन कॉन्डोर की, उन दोनों में से मैं एग्जिट हो गया। और जैसे उन दोनों में मैं एग्जिट हुआ तो जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखे थे सिर्फ वो रह गए। इसीलिए आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, और बीच में आपको प्रॉफिट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो 2 ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे बीच में, उनमें जो प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने बुक कर लिया। और ये प्रॉफिट जो मैंने बुक किया है ये ज्यादा है उस प्रीमियम से जो मैंने ऑप्शन बाय के लिए दिया था। तो मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए ये प्रीमियम दिया था 75 और 38 रुपीज, और इससे ज्यादा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है जो मैंने ऑप्शन सेल किए थे उनमें,
तो इस वजह से अब ये ट्रेड एक नो लॉस ट्रेड बन गया है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपको बंपर प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आपको बंपर प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो 3000 रुपीज का है। तो इस तरह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट तभी किए जाएं जब आपको लॉस हो रहा हो, जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस ट्रेड का पे ऑफ चार्ट अब ये बनता है, यहाँ पे आपके लॉस होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो हो गई है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एक दिन करके आगे दिखाऊं तो देखिए, अगर लास्ट दिन तक मैं रुकता हूं तो क्या होता है, अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, मुझे 3800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट और ऊपर जाता है, मुझे 4300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट वहीं पे है, 4000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। मार्केट और ऊपर गया है और मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5000 रुपए का है, 5000 रुपीज का प्रॉफिट है मेरा। 25th ऑफ जुलाई को मेरा प्रॉफिट 5000 रुपीज का है, 26th जुलाई को मेरा प्रॉफिट 3500 रुपीज का है। देखिए, मार्केट इसी रेंज में आ रहा है जहां पे मुझे 3000 रुपीज का फिक्स प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तब तो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर इस रेंज में रहता है तो आपका प्रॉफिट 3000 रुपीज का है। अगले दिन देखते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट है 3000 रुपीज का, और 28 जुलाई जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मेरा प्रॉफिट है 3200 रुपीज। मतलब अगर मैं एक्सपायरी डे तक इस ट्रेड में रुकता हूं तो मेरा प्रॉफिट है 3300 रुपीज का। तो अब आप देखिए, आपने एक एडजस्टमेंट करके और इस ट्रेड को एक नो लॉस ट्रेड बना दिया है। अब इस ट्रेड में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब या तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर या नीचे गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, या आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी। ये तरीका होता है अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने का। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको तो आप लॉक कर लीजिए, और उसके बाद आपने ये पॉसिबिलिटी और रख ली है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे तेजी से जाता है तो मुझे मैनीफोल्ड्स में प्रॉफिट हो। और देखिए, आप मार्केट को सफिशियंट टाइम दे रहे हो। ये एडजस्टमेंट जिस दिन आपने किया उस दिन 18 जुलाई था, और मार्केट की एक्सपायरी कब है, 28th ऑफ जुलाई को, और मार्केट इससे पहले एक रेंज में रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेड आप कब करोगे, जब मार्केट ने एक रेंज में टाइम बिताया हो। तो जब मार्केट एक रेंज में रहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे तेजी से जाए। और आपने मार्केट को 10 दिन दिए हैं, आपने मार्केट को सफिशियंट टाइम दिया है ऊपर या नीचे जाने का। तो अगले 10 दिन में अगर मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो फिर आपको बंपर प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को मैनेज करना आना चाहिए। एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, वो आपको नहीं रखनी है। लोगों ने इस बात को मान लिया है कि जो एडजस्टमेंट होते हैं उनकी जरूरत तभी होती है जब आपको लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है उस टाइम पे एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। सो बी ए वाइज ट्रेडर, और आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कीजिए। जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनमें भी आप एडजस्टमेंट कीजिए, अपने प्रॉफिट्स जो हैं उनको लॉक कीजिए, और साथ में ये पॉसिबिलिटी भी रखिए कि मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, इस तरह के जो ट्रेड होते हैं ये आपकी मंथली एवरेज को संभाल लेते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड होते हैं इनमें बड़ा प्रॉफिट होने के अच्छा चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे रिस्क हमने बिल्कुल हटा दिया है। तो ये ट्रेड्स आपके आरओआई को अच्छा बूस्ट देंगे। तो चलिए, अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा कि आप लोग इस चैनल के मेंबर हो, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस चैनल, मैं चाहता हूं कि आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हो इस चैनल से जुड़ के। तो अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इट। आप उनसे कमेंट करके या मेल करके किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।